पता है क्रॉसिंग लाइन जैसा, तो क्या करेगा, चलो जिंदगी शायद ऐसा ही है, बिना मेहनत का कुछ मिलता नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना दोस्त साहेब मड्डी, और मेरा SM जॉलोजी ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने ज़िंदगी में स्वस्थ है और मस्त होंगे। तो ऐसे ही अपने ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त रहने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ अच्छा रहता है या ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त रहता है तो अपना ज़िंदगी अच्छा ही जाता है, अच्छा ही गुजरता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अंदाज में आज की ब्लॉग वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं अभी ऊपर आ गया हूँ, तो रूम के अंदर मैं था, तो रूम में खाना चढ़ाया हूँ ना, तो इसीलिए अभी चढ़ाया। तो चलो इधर, अभी सुबह है, थोड़ी देर आएगा तो देख रहे हैं नज़ारा, पहले का नज़ारा कुछ अलग था और अभी का नज़ारा देख ही रहेंगे हम। इधर लोग, उधर का व्यू मेरे पीछे का ऐसे है, तो इससे अच्छा दिखेगा थोड़ा, और मतलब अंधेरा हट जाएगा। तो अभी तो सूरज भी नहीं उठा है ना, तो उठा है लेकिन ज़्यादा बादल किया है, तो उस देख ही रहे होंगे। तो मैं ही दोस्तों बेंगलुरु इसलिए काम करने आया, क्योंकि हम लोग का घर छोटा है, हम लोग का परिवार भी छोटा है, मेरा माँ पिताजी है, मेरा भैया, हमसे तीन भाई है, मैं बड़ा हूँ, टोटल हम लोग चार भाई है। तो कुछ खाने के लिए भी उतना घर में मिलता है लेकिन पैसा नहीं होता है, तो इसीलिए मैं बेंगलुरु काम करने आया। तो आप लोगों को दिखाने के लिए, ये देखिए बिल्डिंग पीछे साइड में इतना मस्त नज़र आ रहा है। तो एक दिन आप लोगों को लेके चलेंगे, ये वाला क्या जो बना रहे हैं तालाब टाइप का, तो उधर हम लोग जाएंगे और देखेंगे, नज़ारा कुछ और होगा देखने में। और इधर पूरा नारियल है दोस्तों, इधर में ना ज़्यादातर नारियल पाया जाता है, कर्नाटका में नारियल सबसे ज़्यादा, नारियल हर जगह में, एक घर में शायद नारियल 10-15-20 और ऐसा जगह रहता है ना, पूरा जगह को ही नारियल में ही, नारियल ही खेती करता है, नारियल और केला तो सबसे ज़्यादा। एक दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं घूमने जाऊंगा, इधर का लोकेशन व्यू सब कैसा है, जगह कैसा है, आप लोग भी देखिएगा। तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इधर का जगह, आप लोग भी देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो इस भाई को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपकी सपोर्ट, मेरा मेहनत कभी बेकार ना जाए, आप अगर सपोर्ट करेगा तो मेरा मेहनत भी बेकार नहीं जाएगा दोस्तों। तो देख ही रहे होंगे, हम अभी इधर ही है, ये देखिए दोस्तों अभी का नज़ारा ऐसे न दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और ये बिल्डिंग का लोकेशन है, बिल्डिंग का दृश्य है, आप लोग देख ही रहे होंगे, ये बिल्डिंग है। तो ये कंपनी गाड़ी है, कोई कोई लड़का कंपनी जाता है इस गाड़ी से, तो हम लोग दोस्तों वहाँ से पानी लाते हैं, जूम करके थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतना लाइन हुआ है, मैं अभी तक एक ही बिंदी वहाँ पर डाला हूँ, हमको पानी अभी तक मिला नहीं, मेरा लाइन पीछे है, तो पानी के का भी बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों, इधर पानी उतना मिलता नहीं, पानी के लिए लाइन लगाना पड़ता है, क्रॉसिंग लाइन जैसा, तो क्या करेगा, चलो ज़िंदगी शायद ऐसा ही है, बिना मेहनत का कुछ मिलता नहीं। दोस्तों बस आज के वीडियो इतना ही, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो पे,
तो अपना ख्याल, अपना ध्यान बनाए रखना कि इस जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करो, कुछ लड़ो, कुछ सीखो, जानबूझ के जो भी करना है कुछ करके दिखाओ। तो चलिए दोस्त, ऐसा ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तो यही पे वीडियो एंड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।